तो बच गया, गेस्ट अभी तक नहीं आया। लग रहा गेस्ट उड़ान भर दिया यहीं से अल्मोड़ा के लिए। तो एक गाड़ी वो है सामने, एक गाड़ी ये है सामने, एक गाड़ी ये है सामने, तीन गाड़ी वाला टूर है भाई। देखते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से आगे को। ये वही वाला पत्थर आया था भाई परसों अल्मोड़ा वाले रास्ते में पुल के पास, जिस दिन रोड बंद हो गया था पूरा नीचे आ गया था यार। तो फिर भी साफ कर दिया इन्होंने पूरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और भाई मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 6:30 बजे से, और वही भवाली शाम खेत से जहाँ पर मैं हूँ 4-5 दिन से रुका हुआ, तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज फिर से। और आज जाना है मैंने पहले पंतनगर, और पंतनगर से फिर बरेली, और बरेली से उसके बाद अल्मोड़ा या नैनीताल। तो बहुत लंबा ट्रिप रहने वाला है, तो बने रहना ब्लॉग में। बस अभी उठ के रेडी हो चुके हैं, नहा धो के चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद 7 बजे गाड़ी लगानी है, फिर निकल जाएंगे यहाँ से भाई। मेरी तो सांस फूल जाती है यार चढ़ाई में, कि घनी चढ़ाई है ना। देखो देखते हैं चाय बन के नहीं बन गई। तो भाई यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं प्रॉपर जंगल में हूँ मैं, और ओनली बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है और कोई नहीं है। चाय पीने के लिए जा रहे हैं और उस्ताद जी बोले हमारे साथ चलो, हरियाणा की गाड़ी है दिल्ली नंबर, और ये नई इनोवा आई है हाई क्रॉस, आज इसमें बैठ के जाएंगे भाई। देखो कितनी मस्त लग रही, एक ये इनोवा है क्रिस्टा, एक ये है इनोवा हाई क्रॉस, आज इसमें बैठेंगे। बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई इसका। ये पीछे का आवाज़ आ रही, पीछे आवाज़ इतनी ज़ोर से, मोटर चलाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ गाड़ी में से कौन सी आवाज़ आने लग गई। तो ये है इनोवा की हाई क्रॉस, बहुत कंफर्टेबल है भी बैठने के लिए भाई, और अच्छा लग रहा है इसमें बैठने पे। ये कैमरा है ना हमको देख रहा होगा अभी। तो ये है इनोवा की हाई क्रॉस, ये उस्ताद जी दिल्ली से हैं प्रॉपर। तो उस्ताद जी सही लग रहा पहाड़ में? पहाड़ में ही सारी जिंदगी पूरी हो गई। उत्तराखंड सही लगता है, दिल्ली सही लगता है? कोई भी जगह हो जहाँ के लोग अच्छे मिले तो बढ़िया है। कहाँ के लोग अच्छे हैं उत्तराखंड के, दिल्ली के? हर जगह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हाँ ये तो है, ये बात तो तुमने सही कही। ये तुमने करेक्ट बात बोल दी। तो वैसे चाय का होटल में भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जो चाय बनाते हैं वो उठे नहीं है अभी, वो शायद 7 बजे उठते हैं, और हमको 7 बजे निकलना था, 7 बज गया फिर भी। सीट काफी कंफर्टेबल थी भाई, गाड़ी ज्यादा कूद भी नहीं रही है, ठीक है, गाड़ी बढ़िया है। कितना एवरेज दे रही है? 11 का 10 से 14 के बीच में आती है, पहाड़ों में 10 के आसपास। लेकिन हमारे क्रिस्टा पहाड़ों में भी 14 का ही देती है यार, और प्लेन्स में भी वही देती है। ये प्लेन पे ज़्यादा देती है पहाड़ों, शायद एक आध घटता होगा 13 तक, वरना 14 में रहती है गाड़ी तो हमारी ज़्यादातर। इनोवा क्रिस्टा और ये इनोवा हाईक्रॉस में कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी? दोनों पावर तो सेम है दोनों में, इसमें 2400 cc पेट्रोल डीजल इंजन है, इसमें 2000 cc पेट्रोल है। लेकिन ये शायद इनोवा से महंगी है फिर भी है, क्रिस्टा से? हाँ क्रिस्टा से महंगी। कितनी? 27 30 से ऊपर ही जाके पड़ती है। हाँ बाबरे, 30 से ऊपर ही बैठ जाती है। तो ये देखो भाई ये हाल है यहाँ, ये होटल का रास्ता है, कितना हाँ बढ़िया रास्ता है। ये देखो होटल जो है, सबसे महंगा होटल भीमताल भवाली में ये है, और यहाँ का रास्ता देखो भाई, 1 किलोमीटर का रास्ता, पेट के आते जो है बाहर निकल जाएंगे, खाना खाया हुआ हजम हो जाएगा, बस ये सारी चीज़ें हैं इसमें। गौ माता की जय हो, हट जाओ आगे से मैया, चलो हट रही धीरे धीरे।
वैसे इसमें सड़क बन सकती है, गांव है ना, अगर गांव वाले चाहें तो सड़क बन सकती है इसमें। गांव वाले चाहें, होटल वाले चाहें, इतना पैसा होटल पे लगाते हो, बात करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, होटल वाले भी बना सकते हैं, गांव वाले भी बना, गांव वाले तो मतलब सरकार के द्वारा गांव से बन सकता है, अगर गांव वाले चाहें सब जाने की एक सड़क बननी चाहिए हमारी, क्योंकि गांव है ही लगभग 10-12 घर तो है ही यार, तो इनको सुविधा तो देना बनता है सरकार को। भाई गाड़ियों के रेट आसमान छू रहे हैं, और जो सवारी है, जो भी गेस्ट हमारे हैं, ये पैसे देने में बड़ा वो करते हैं, गाड़ी का किराया देने में, बताओ। बस वो चाहते हैं कि गाड़ी फ्री में चल जाए। भाई यार एक ड्राइवर बंदा अपने घर की, अपने घर इतना मेहनत करके एक ड्राइवर बंदा कैसे ड्राइवर बनता है, सालों में हेल्पर ही करके, सालों मेहनत करके, और एक 10,000-12,000 रुपये की वो नौकरी करता है, 15,000 रुपये की, लेकिन उसके बाद भी जिस बड़ी मुश्किल से अगर कोई ड्राइवर बंदा किस्त में गाड़ी उठाता है लोन लेके, वो 10-20 लाख रुपये का लोन ले रहा है, फिर उसके बाद से 40,000-45,000 महीने की उसने किस्त देनी है, तो यार ऐसे में कैसे मतलब यार कोई मतलब गेस्ट भी मतलब पूरे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। कम से कम यार जो उचित रेट है, उचित मूल्य है, वो कम से कम देना चाहिए एक ड्राइवर को, एक गाड़ी मालिक को, और जिससे वो भी खुश, आप भी खुश, आप उत्तराखंड आते रहें, तो यार हर किसी की समस्या को समझना चाहिए, इतनी मेहनत करके लोग कैसे कैसे क्या करते हैं, कहाँ अपने घर बार छोड़कर यहाँ छोड़ के जान हथेली पे लेके घूमते हैं। देखो घर बार छोड़ के जान हथेली पर लेकर अब एक रिस्क की नौकरी यहाँ पर कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये चीज़ हर कोई समझता नहीं है। तो यार भाई इन चीज़ों को समझो थोड़ा सा, हम तो इतना ही बोलेंगे आपसे। यार इतनी साफ सुथरी गाड़ी रखी है, सब कुछ आपको अवेलेबल करा रहे हैं, आपसे प्यार से बोलना, सब कुछ आपसे, और क्या चाहिए ड्राइवर बंदे को, एक आप प्यार से बोल लो और उसको चाय के लिए पूछ लो, वो अपनी जान तक आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन भाई तुम चाहे करोड़ों के मालिक हो, अरबों के मालिक हो, पैसा तुम्हारा ही है, हमारा किसी काम का नहीं, हमारे लिए तो वही VIP है जो हमसे प्यार से दो बातें कह दे, हमको पैसों से मतलब नहीं है भाई, पैसा तो दुनिया कमा रही है, हमने नाम कमाना है, नाम। तो ये हाईक्रॉस का और क्रिस्टा का थोड़ा सा दोनों में कंपटीशन देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो अपने आप में दोनों बेहतर हैं गाड़ियाँ। टोयोटा वैसे भी गाड़ी बहुत ज़बरदस्ती बनाता है, जो भी गाड़ी निकालती है टोयोटा कंपनी बहुत अच्छी गाड़ियाँ निकालती है, टोयोटा जैसी कंपनी है नहीं वैसे जहाँ तक ख्याल है, टोयोटा बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक ठाक बजट में और ठीक ठाक प्राइस में गाड़ियाँ, क्योंकि 5 लाख तो इंजन की गारंटी भी टोयोटा देता है, ये सबसे बड़ी बात है, और वाकई में लोगों ने पहाड़ों में 9-10 लाख किलोमीटर चला दिया है गाड़ियों को भी आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई गेस्ट को पंतनगर ड्रॉप करने के बाद हम निकल गए थे बरेली को, बरेली को निकलने के बाद हमने रास्ते में देखा कुछ इस तरह का मौसम, तो दोस्तों बारिश के कुछ कुछ बूंदे पड़ रही थी और हमारा वाइपर चला हुआ था, तो साथियों अभी मैं बना रहा हूँ BDM ब्लॉग की तरह वीडियो, सो आपने सभी ने देखा होगा कि ये BDM ब्लॉग पिकअप वाले जो भाई साहब है अपने, वो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं,
तो उनके बोलने का तरीका बिल्कुल मेरी तरह है, तो आज मैं उनके तरह बोलने की सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग ऐसे ही बनाया जाए। तो गाइस मैं पहुँचने वाला हूँ अभी बरेली, और यहाँ से बरेली का डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर का रह गया है, और उससे पहले पड़ता है काफी फेमस हॉस्पिटल राम मूर्ति, तो वो भी मेन हाईवे में से लगते हुए जाता है। तो दोस्तों अभी मैं पंतनगर गेस्ट को मैं ड्रॉप कर दिया है, गेस्ट को मैंने भवाली से लेके आया रामगढ़ से और पंतनगर ड्रॉप किया। तो दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा सीधे बरेली के लिए, और बरेली के आज हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, और आप सभी को पता नहीं होगा कि आज के वो खास मेहमान कौन हैं। तो आज हम निकलेंगे यहाँ से सीधा अल्मोड़ा क्वारप के लिए, और बरेली में गेस्ट का टाइम है 1 बजे का, तो यहाँ से सीधा गेस्ट को लेके जाएंगे हम वहाँ अल्मोड़ा पे, और रास्ते में हम करेंगे यहाँ पर सिंह रेस्टोरेंट में लंच, क्योंकि दोपहर का 1 बजे वो आएंगे और 1 बजे से लगभग 1 घंटा लगता है रेस्टोरेंट पहुंचने में, और 1 बजे के बाद 2 बजे हम करेंगे करेक्ट लंच, और लंच करने के बाद हम कंटिन्यू चलेंगे सीधा काठगोदाम होते हुए अल्मोड़ा, और उससे पहले हम रुकेंगे अल्मोड़ा से पहले एक जगह पर भुट्टा खाने के लिए। अब देखो मैंने सोची तो है भुट्टा खाने के, अब आगे होता क्या है। तो दोस्तों मेरा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी वॉइस में ब्लॉग बनाऊंगा, और मुझे ऐसे ब्लॉग बनाने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अपना बीडीएम भाई से मैं बहुत कुछ सीखा, और हमारा जो बीडीएम भाई है पिकअप वाला वो ऐसी ही सेम ब्लॉग बनाता है, और उसकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस उम्मीद है आपको ऐसे ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और भाई रोडों का हालात देखो कितना बढ़िया हो गया है, जब से मोदी सरकार बना है रोडों में बहुत सुधार आया है, बीजेपी सरकार को हम जय हिंद बोलते हैं। और इस समय बहुत अच्छा मौसम है, और लगभग 12:20 हो चुका है, और 1 बजे तक हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, और 1 बजने में अभी 40 मिनट है, और डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर का रह गया है। बस यहाँ से निकल गए हैं, और ये देख रहे मेरे सामने एक छोटी सी मार्केट आ गई है। ये मार्केट काफी खूबसूरत नहीं है, बट थोड़ी सी नॉर्मल छोटी सी मार्केट है, बट यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर सब्जी फ्रूट वगैरह सभी कुछ सामान मिल जाता है, बट बड़ी मार्केट के लिए ये लोग बरेली या हल्द्वानी काठगोदाम आते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। तो गाइस यार ब्लॉग बनाने में बहुत सारी मेहनत लग रही है, लेकिन आप लोग यार सपोर्ट नहीं कर रहे हो। भाई लोगों को प्लीज यार अपना प्यार और सपोर्ट और बढ़ा दो, क्योंकि यार आप चाहते हो तो मैं फटाफट आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, और कोई भी कमी आपको महसूस होती तो आप प्लीज मुझे वीडियो में जरूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस बरेली बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी समय काफी है, लगभग 27 किलोमीटर यहां से बरेली और बचा हुआ है। एक टोल हमने पार कर लिया है, और एक टोल और आगे आएगा, तो पूरी गाड़ी हमारी खाली है गाइस इस समय, और गाड़ी खाली लेके हम यहां से जा रहे हैं, और वहां से हमारे गेस्ट 2 गाड़ियों का है, लगभग 6 लोग हैं वो, और उसमें बाकी 6 लोग इसमें आ जाते हैं, लेकिन हम जो हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत VIP हैं, तो एक गाड़ी में 2 या 3 ही लोग बैठेंगे, इसीलिए 2 गाड़ी बुलवाई है, तो 2 गाड़ी में हम लोग उनको लेके आएंगे, और 1 गाड़ी वहां पहुंचने वाला होगा, और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि मैंने 1 ड्रॉप और किया सुबह, उसके बाद मैं पंतनगर से निकल गया था। तो भाई यहां पर देख रहे हो भीड़ अचानक काफी ज्यादा दिख रही है, अब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमको रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, यहाँ पर सीधा चलते रहेंगे। तो यार दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं मैं पहुंच गया मैमोर में, ये मैमोर एक जगह है जहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर का, और इससे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है बरेली या टनकपुर और किच्छा और जगह पर है, तो एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर भी आता है, तो काफी खूबसूरत है, और नियर बाय पेट्रोल पंप भी सामने है, बट हमारी गाड़ी में अभी टंकी फुल है तो हम तेल नहीं डलाएंगे, हम सीधा यहाँ से निकल जाएंगे। तो जिन मैम के साथ मैं आया था सुबह, मैंने ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ किया था, और भाई देखो यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने अभी भी जैकेट डाला हुआ है, क्योंकि मैं रामगढ़ अल्मोड़ा से आया था सुबह, और वहां पर काफी ज्यादा ठंडा हो रखा था, इसलिए मैंने अभी जैकेट डाल दिया है, तो सुबह से ही मेरा जैकेट डाला हुआ है, और भाई अभी भी ठंडा हो रहा है, हल्का सा लो में AC ऑन है, लेकिन AC ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि हर हाल में, क्योंकि आगे बारिश हो रही है और हल्के हल्के बारिश की बूंदे पड़ रही है, तो अंदर फॉग जमा हो जाता है, तो इसलिए हल्का AC जरूर खोलना पड़ता है, अगर हम छोटा सा शीशा खोलते हैं तो और भी फॉग और ज्यादा अंदर घुस जाता है, तो इसलिए लो में AC चलाकर हम चल रहे हैं इस समय।
और काफी अच्छा लग रहा है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने सुबह कर दी थी, तो आज हमारा ब्लॉग था पंतनगर भवाली से पंतनगर और पंतनगर से बरेली और बरेली से शायद अल्मोड़ा या नैनीताल। तो मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मुझे अल्मोड़ा ही जाना है, लेकिन अल्मोड़ा से मुझे थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है क्वारब, तो वहां पर जाना है। तो बस यहां से निकलते हैं फटाफट से। अगर आपको मेरा ऐसा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं आगे भी ऐसी ब्लॉग बनाऊं। तो प्लीज अन्ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और मेरे बाल अभी काफी लंबे हो चुके हैं और मैं बाल और लंबे करने वाला हूं और मेरे बाल काफी लंबे हो जाएंगे। और भाई अब निकलते हैं यहां से बिना रुके, क्योंकि हम 10 मिनट लेट हैं, लेकिन हम गाड़ी खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब निकलते हैं यहां से। यहां पर गाड़ी की स्पीड लिमिट है 60 से 80 के बीच में, तो गाड़ी की लिमिट वही रहेगी, 80 से ऊपर गाड़ी नहीं भागेगी। तो बस निकलते हैं यहां से फटाफट बिना रुके। हाँ विमल भाई, बहुत टाइम बाद मिले हैं। देखो चारधाम यात्रा फाइनल करके आ चुके हैं यहाँ पर, और काफी दिनों बाद बड़े मुश्किल से दर्शन हुए। आज 15 दिन बाद दर्शन हो रहे हैं इनके। कल को कहाँ जाओगे साहब? ऑक्सीजन लगा कमरे में सोएंगे। तो ये हाल है, ये उस्ताजी है। और नए उस्ताजी आज हमारे मिल गए हैं। देखो बहुत सालों बाद मिले हैं आज, ये 1.5 साल बाद बड़े मुश्किल से दर्शन हुए हैं। और तो भाई ये भी प्रॉपर बरेली से आ चुके हैं और अभी रुके हैं पोर्ट से स्टोन पर, और यहाँ पर हो रहा है अभी हाई टी, मतलब वही नॉर्मल टी, बटर टोस्ट वगैरह, नॉर्मल सा स्नैक्स वगैरह लेंगे। हाँ 10 मिनट में चलेंगे बोल रहे हैं, तब तक हम कुछ नॉर्मल चाय वगैरह देख लेते हैं। है चाय मुश्किल है, चलो फिर वो टिक्की वगैरह खा लेते हैं कुछ। टिक्की मैं इसका नहीं खाता ना, मेरे गले में आ जाता है। मुझे एक कप चाय चाहिए। नॉर्थ हाउस तुम टिक्की वक्की खाओगे क्या? तो वहीं देख लेंगे कुछ, वहां तो होगा ही कुछ। काडूदाम मार्केट बहुत डेवलप हो गया वैसे। काडूदाम क्यों भयंकर हो गया यार, तरक्की में है। हल्द्वानी के लोग भी, हल्द्वानी काडूदाम के लोग भी बहुत सेट हो गए अब। ये विशाल मॉल भैया, ले लो कुछ जिसको जो लेना है। नीचे आ गया था भाई ये। तो फाइनली गाइस बरेली से गेस्ट ड्रॉप कर दिए हैं सुयालबाड़ी। क्वारब से ऊपर एक रास्ता जाता है 10 किलोमीटर चोपड़ा से आगे, तो उस तरफ को गेस्ट ड्रॉप कर दिए हैं। और अब निकलते हैं सीधा या भवाली या फिर हल्द्वानी। तो सोच रहे हैं अभी स्टे जो है कहीं रास्ते में ही करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बज गया है और अभी मेरा डिनर नहीं हुआ है। और सुबह लगातार 5-5:30 बजे से उठकर चले हैं, तो कहीं रास्ते में रुक के डिनर करते हैं और आज कहीं होटल में या देखते हैं कहीं पर ही आज वहीं सोते हैं और फिर सुबह निकलेंगे।